मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, भगवान के लिए मुझे गलत मत समझो। मैंने तुम्हारे खिलाफ कभी कोई गलत काम नहीं किया श्वेता, और ना कभी करूंगा। प्लीज प्लीज श्वेता, मुझे मुझे अपने से अलग मत करो श्वेता, प्लीज। ठीक है, लेकिन ये आपका आखिरी मौका होगा। आज के बाद अगर आपने कोई ऐसी गलती की जिससे मुझे नुकसान पहुंचे, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। चाचा जी, रिमझिम ने सिर्फ घर छोड़ा है, लेकिन उसका घर टूटा नहीं है। मैं चाहती हूं कि वो परिवार जो प्यार नाम के रिश्ते से जुड़ा है, वो कल भी जुड़ा रहे, लेकिन नफरत से। और ये नफरत के बीज बोने के लिए हमें क्या करना होगा श्वेता? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि वहां दरारें कौन सी हैं। श्वेता, मुझे तो यहीं से उस घर में दो दरारें तो साफ नजर आ रही। एक जयंती, दूसरा राकेश। इन दोनों की कुंडलियों के 18 गुणों में से 16 गुण हमसे मिलते हैं। चाचा जी, हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। अब मुझे पता है कि आगे क्या करना है। रिमझिम की वजह से घर के कितने लोग परेशान होंगे। इससे पहले कि आपको नई नई परेशानियों का सामना करके आपके माथे की शिकन बढ़े, आप उस रिमझिम को छोड़कर अपने घर लौट आइए। क्या बात है बेटा, इतने गुमसुम से क्यों बैठे हो? बाबूजी, मैं जानता हूं राकेश भैया अपने लोन के लिए परेशान है। भैया आप चिंता मत कीजिए, मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट है मिस्टर कोहली, बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और बहुत अच्छे आदमी भी हैं। हम उनके ऑफिस में जाएंगे और आपके लोन के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। नहीं अविनाश, मुझे अब तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। गए थे ना उस दिन, वो क्या नाम है तुम्हारे क्लाइंट का, मिस्टर मेहता, क्या हुआ वो? पूरे 2 घंटे उन्होंने बिठा कर रखा और फिर बहाना बनाकर हाथ खड़े कर दिए। आज हम सड़क पर आ चुके हैं अविनाश, और ऐसे लोगों के साथ कोई भी इंसान बिजनेस करना पसंद नहीं करता। उस दिन देख लिए मैंने तुम्हारे और तुम्हारे क्लाइंट्स के साथ तुम्हारे ताल्लुकात। लेकिन भैया, हर आदमी एक जैसा तो नहीं होता ना। देखो अविनाश, तुम्हारा तजुर्बा मुझसे बहुत कम है, तुम नहीं जानते बिजनेस उन शर्तों पर होता है कि किसको किसकी कितनी जरूरत है। आज जरूरत हमारी है, इसलिए हमें ही झुकना पड़ेगा। खैर, मुझे तुम्हारी सलाह या तुम्हारे क्लाइंट्स की अब कोई जरूरत नहीं है।